एक जहाज मंदिर दे नाल टकराउण दे बाद क्रैश हो गया है। मंदिर दे गुबंद दे नाल इह जहाज टकराउंदा है ते इस दे बाद जहाज दे परखचे उड़ जांदे ने। पायलट दी मौत हो गई है इस हादसे दे विच। जो लोग सी देखण वाले वह भी हैरान रह गए कि किस तरीके दे नाल इह हादसा वापरिया। तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हां, प्लेन क्रैश होया है मंदिर दे गुबंद दे नाल, इह प्लेन टकरा गया। उसके बाद इस जहाज के परखच्चे उड़ गए थे। जो सीनियर पायलट सी उसकी इस हादसे दे विच मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के रीवा दे विच ये हादसा वापरिया है, जिथे ट्रेनिंग दे वास्ते इस प्लेन नू उड़ाया जा रहा सी। मंदिर दे गुबंद दे नाल टकरा के यह क्रैश हो गया। प्लेन च मौजूद जो पायलट सी उसकी मौत हो गई है। जो कैप्टन विमल कुमार सन 54 साल के सी, बिहार के पटना के वो रहने वाले सी, जिन्हां दी मौत हो गई है। रिपोर्टां दे मुताबिक ट्रेनिंग दे वास्ते एक कंपनी का यह प्लेन सी जो मंदिर दे गुबंद दे नाल ते बिजली दियां तारां दे नाल टकरा के दुर्घटना का शिकार हो गया। पूरा हादसा चौहटा थाने दे उमरी पिंड दे विच वापरिया, जिथे मंदिर दे कोले घटना वापरी है। हादसे च एक पायलट की मौत हो गई, जबकि जो दूसरा पायलट सी वह गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गया है, जिसनों संजय गांधी हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया है। तुसीं तस्वीरां देख सकते हो कि प्लेन का की हशर होया है। प्लेन का मलबा नज़र आ रहा है बुरे तरीके दे नाल। इस जो प्लेन है उसके परखच्चे उड़ गए। दस्या जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा संघनी धुंद इत्थे छाई हुई सी, उसे दे चलते यह हादसा वापरिया। उमरी हवाई अड्डे तो पलटन कंपनी का प्लेन स्टूडेंट्स नू जो है ट्रेनिंग दिंदा सीगा, ते बीती रात भी यह ट्रेन जो प्लेन सेगा उसने उड़ान भरी तो यह हादसे का शिकार हो गया। प्लेन उड़ान भरन के बाद मंदिर के गुबंद के नाल टकरा गया, जिसके बाद जोरदार धमाका होया। तो उसके बाद अगली तस्वीर सी इस मंजर की, जो तस्वीर के विच नज़र आ रहा है। धमाके की आवाज़ सुन के लोग घर तो बाहर निकले तो उन्होंने प्लेन देखा जिसके परखच्चे उड़े हुए से। हर जगह मलबा ही मलबा नज़र आ रहा सी। लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को इलाज के वास्ते हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया, जिथे जो प्लेन नू उड़ा रहे पायलट सन उन्हां दी मौत हो गई। जबकि नाल जो एक स्टूडेंट सी उसका इलाज जारी है, उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के जो स्टीक कारण ने वो हाले तक सामने नहीं आए, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि धुंध के चलते हादसा वापरिया। धुंध के कारण जो पायलट सी उसको ज़्यादा दूर तक नज़र नहीं आया, तो संघनी धुंध कारण जो मंदिर का गुबंद सी वो देख नहीं पाया। इसके चलते गुबंद के नाल प्लेन की टक्कर हो गई, जिसके बाद ये प्लेन क्रैश हो गया, तो पायलट की इस हादसे के विच मौत हो गई है। मंदिर के गुंबद के नाल टकराउण के चलते यह हादसा वापरिया है। दस दिए कि जो मध्य प्रदेश की घटना है, मध्य प्रदेश के रीवा दे विच यह हादसा वापरिया। एक प्लेन जो सिखलाई दे वास्ते इसका इस्तेमाल किया जाता सी, उसने देर रात उड़ान भरी, लेकिन जो मनिया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा धुंध सी, इस दे चलते जो मंदिर का गुबंद सीगा वह नज़र नहीं आया, जो गुंबद सी वह नज़र नहीं आया पायलट नू, ते टक्कर हो गई, जिससे बाद प्लेन दे परखच्चे उड़ गए, तो पायलट की इस हादसे दे विच मौत हो गई है। तुसी तस्वीर देख सकते हो किस कदर भयानक हादसा रहा होएगा। जो प्लेन की टक्कर हुई तो उसके बाद जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, लोग घर तो बाहर आ गए, पुलिस को सूचित किया गया, जख्मियों को हस्पताल पहुँचाया गया, जिथे सीनियर पायलट की मौत हो गई इलाज के दौरान। जबकि जो सिखलाई दे वास्ते स्टूडेंट नाल मौजूद सी उसकी हालत हाले भी गंभीर बनी हुई है। दसीए कि जिस पायलट की मौत हुई है 54 साल के सन, वह बिहार के पटना के रहने वाले सी। देर रात की यह घटना है, जदों प्लेन ने उड़ान भरी सिखलाई दे वास्ते ट्रेनिंग दे वास्ते इस प्लेन का इस्तेमाल किया जाता सी। कंपनी का प्लेन है जिसने उड़ान भरी, धुंध के चलते उसनों जो मंदिर जो है वो नज़र नहीं आया, मंदिर का जो आई नहीं दिता, तो गुंबद के नाल प्लेन टकरा गया, बिजली दियां तारां दे विच भी फस गया, तो इसके बाद जोरदार धमाका होया, तो प्लेन के परखच्चे उड़ गए।